हेलो फ्रेंड्स, जी हेल्थ फूड चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हर बार आपकी कोई कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित है उसके समाधान को लेकर हाजिर होते हैं, इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं आपकी सेवा में खांसी के बारे में। अक्सर लोगों की खांसी बहुत दिनों तक जाती नहीं है, उनकी शिकायत रहती है कि हमने बहुत सारी दवाएं ले ली है, महीना हो गया, 15 दिन हो गए, हमारी खांसी गई नहीं है। दोस्तों, ये क्यों होता है आपने कभी गौर किया है? इसमें 2-3 फैक्टर हैं जो आपकी खांसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक तो हमारी अज्ञानता, एक हमारा ये लापरवाही की दवाई को कैसे लेना है, दूसरा कौन सी खांसी में कौन सी दवा लेनी है। तो दोस्तों, अगर ये 2-3 चीज़ें आप मोटी मोटी याद रख लेंगे तो आप जब भी आपको खांसी होगी और उसके अनुरूप उस फॉर्मूले की आप दवा लेंगे तो आपकी खांसी सर्दियाँ जल्दी ठीक हो जाएगी। साथ ही आपको, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल की देश काल की जो परिस्थितियाँ हैं, COVID-19 की जो परिस्थिति है, आप अपने डॉक्टर से बराबर कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, आप जांच नहीं करा पाते हैं, और ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन परचेजिंग का। बहुत सारी फार्मेसीज अपनी ऑनलाइन सेलिंग कर रही है और आप परचेज कर रहे हो, दवा सीधी घर आ जाती है, आप दवा ले लेते हो, पर ये ध्यान नहीं रहता है कि कौन सी खांसी में कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, दवा लेने के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सारी जानकारियों के अभाव में हम अपनी बीमारी से निजात नहीं पा पाते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी और सलाह लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी खांसी नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल कफ कॉफ फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, और आपको उनके कंटेंट्स कुछ हद तक याद भी रखने चाहिए, क्योंकि आजकल सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि हम सेल्फ मेडिकेशन के विरुद्ध हैं, फिर भी आपकी जानकारी और आपकी सुरक्षा के लिए बताना हमारा फर्ज। हम जानकारी के अभाव में सही ले नहीं पाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको साधारण कफ हो, खांसी हो, जिसमें कि बलगम आ रहा हो, तो उस अवस्था में आपको जो दवा लेनी है उनके अंदर कॉमन जो साल्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, डाइफेनिल हाइड्रामिन, टर्पेन हाइड्रेट, अमोनियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट आदि, साथ ही डेक्सामेथासोन, क्लोरफेनिरामाइन मिलेट, इस तरह के जो फार्मूले होते हैं वो साधारण खांसी के लिए होते हैं। तो ये फार्मूला आपको जब साधारण खांसी हो, कफ आ रहा हो, तभी लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है, आप को खांसी तो चल रही है पर आपका कफ रिलीज नहीं हो पाता है, जिससे कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको जो एयर जो ब्रोंकियो है उसमें उसका डायलेशन नहीं हो पाता है, जिससे सांस नहीं ले पाते। वो उसका जो रीज़न है वो यही है कि आपके लंग्स में कफ डिपॉजिट हो जाता है। जब आपके फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है तो मित्रों, जब आपको बोलने और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त आपको कफ एक्सपेक्टोरेंट या ब्रोंकोडायलेटर जो उस दवा के ऊपर लिखा होता है वो यूज़ करनी चाहिए। और यूज़ कैसे करना है, जब भी आप कोई भी कफ सिरप लें तो उसके कम से कम आधे घंटे तक पानी ना पिए। बहुत सारी दवाएं आप गुनगुने पानी साथ या ल्यूक वर्म वाटर उसके साथ 2 या 3 ढक्कन या 10-20 ml ऐड करके जो गर्म पानी है उसके साथ लेना भी प्रिफर करते हैं, और वो अच्छी भी रहती है। और जब हम कफ सिरप लेते हैं तो एक्सपेक्टोरेंट जो फार्मूला है उसके अंदर ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेनसिन, क्लोरफेनिरामाइन मिलेट आदि ये दवा आप ये देख के खरीद सकते हैं।
और ये ज़्यादा नहीं भी देख पाए और ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर एक्सपेक्टोरेंट या ब्रोंकोडाइलेटर लिखा होता है, वो दवा आप लें जिससे आपका बंधा हुआ कफ, जो छाती में जमा हुआ बलगम है, वो निकल जाएगा। दूसरा एक जो तीसरा एक खांसी की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत कम लोगों में होती है, जिसमें कि सांस भी साथ चलती है, जैसे दमा और खांसी दोनों एक साथ होती है, तो उसके अंदर क्या सजेस्ट किया जाता है, उसके एलेक्स या जो सिरप होती है उसमें लियोसाल्बुटामोल और एमरोक्सोल गुआफेंसिन वगैरह मिक्स आती है, या फिर साल्बुटामोल एमरोक्सोल गुआफेंसिन मिक्स आती है, ये आपको जो सांस की बीमारी है प्लस खांसी है दोनों को एक साथ दूर करती है। शर्त यही है कि आप किसी भी खांसी की सिरप को लेने के बाद ठंडा पानी नहीं पिए, या फिर पानी तो कोई पीना ही नहीं चाहिए कम से कम आधे घंटे तक, तो वो फार्मूला इफेक्टिवली आपके ऊपर काम करेगा, आपकी कफ को जल्द रिलीव करेगा। तो दोस्तों ये कफ से रिलेटेड आज इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इतना आप ध्यान रख लेंगे तो आपको जो देश काल परिस्थिति है उसके अनुसार अपना जो इलाज करने में सुविधा रहेगी। धन्यवाद, आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।